हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। आज हम किसी टॉपिक पर ना बात करके मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर अपने बारे में प्लीज़ बताइए, आप कैसे एग्ज़ाम पास किए, कौन कौन से एग्ज़ाम देते हैं और किस में अभी आप किस में हैं। क्योंकि किसी में बहुत सारे ऐसे लड़के या फिर लड़कियाँ होंगी जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैं किस फोर्स में हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स में हूँ, और ये मेरी पहली जॉब, मतलब पहली ऐसी गवर्नमेंट जॉब थी जिसे मैं फुल फाइनली क्लियर कर पाया था। इससे पहले भी क्लियर कर पाया था, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम में मैं फाइनल मेरिट आउट हो जाता था या फिर फाइनल मेरिट आउट ही हुआ था। इससे पहले मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे। सबसे पहले मुझे नेवी में जाने का शौक़ था, तो इससे पहले मैं नेवी में एनसीसी भी करता था। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वहीं पर एक एनसीसी का डायरेक्टर नंबर 2 नेवल यूनिट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट, तो मैं वहाँ पे नेवी में एनसीसी किया था। वो भी आपका सेकेंड ईयर में ही था, सेकेंड ईयर के बाद मैंने छोड़ दिया था उसे। तब तक मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और मैं उसमें ज्वाइन कर लिया। तो इससे पहले मैं नेवी के लिए तैयारी करता था, नेवी में दिया, नेवी में बहुत सारे एग्ज़ाम दिया। जब मैं क्लास 10th में था तो उस समय नेवी एमआर का एग्ज़ाम निकला, तो मुझे पता चला था कि हाँ, एमआर का भी होता है एग्ज़ाम नेवी में, वो डोमेस्टिक ब्रांच का। तो मैं बस एग्ज़ाम देने गया था ऐसे, तो उसमें एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी फाइनल आपका कट ऑफ, फाइनल जो कट ऑफ था उसमें क्लियर नहीं कर पाया उसको, तो मैं उसे छोड़ दिया। फिर अपना 11th 12th साइंस करने लगा, और 11th 12th साइंस करने के बाद फिर मैंने सोचा कि इस साइंस हो जाने के बाद मैं अपना इंजीनियरिंग लाइन में गया। तो वहाँ से मैंने फिर डिप्लोमा भी किया सिविल इंजीनियरिंग से, मैं डिप्लोमा भी किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। और उसके बाद फिर देखा आपका इंजीनियरिंग लाइन में जेई का, WBJEE का एग्ज़ाम दिया, जेई का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें कुछ ज़्यादा नंबर नहीं आ पाया था। WBJEE दिया अपना वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसमें मुझे आईटी मिला था आपका, एक अच्छा ही अच्छा कॉलेज था, वो गवर्नमेंट कॉलेज था। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें, तो फिर मैं उसको ज्वाइन नहीं किया, उसको छोड़ दिया। और फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, अपना सेना की तरफ, आर्मी की तरफ अपना, मतलब मैंने इरादा कर लिया कि नहीं, मुझे आर्मी में ही ज्वाइन करना है। तो उसके बाद मैंने फिर 12th के बाद जो नेवी की एग्ज़ाम थी, तो एसएसआर का एग्ज़ाम, तो उसको आपका अप्लाई किया। उसको अप्लाई करने के बाद फिर पता चला कि एग्ज़ाम सब कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद आपका अग्निवीर आ चुका था उस टाइम। तो फिर मैं नेवी में, मैं बोला कि अग्निवीर आ गया है तो मैं 4 साल, तो मैं फिर 4 साल बाद मैं क्या करूँगा, फिर मुझे वही तैयारी करनी पड़ेगी फिर, तो इससे अच्छा मैं अभी शुरू करता हूँ तैयारी वैसी। तो अग्निवीर नेवी में जाने का मन छोड़ दिया, तो नेवी में जाने का इरादा छोड़ दिया। फिर अब नेवी छोड़ देने के बाद फिर पता चला कि सारे चीज़ों को देखा, अग्निवीर का जो रिज़ल्ट आया था, अग्निवीर का जो स्कीम आया था उसमें आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट जो था वो था परमानेंट आपका। तो मेरा जो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो भी था, तो बायोलॉजी में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, 74% थे बायोलॉजी में। तो फिर मैंने इरादा किया कि आर्मी को नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करूँगा, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करने लगा। पढ़ाई तो अपना अच्छा ही, एक ऐसा पढ़ाई करता था जैसे खुद से ही पढ़ता था, बाहर में कहीं ट्यूशन कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं किया था, मैं खुद से ही पढ़ता था। और कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यूट्यूब है, यूट्यूब से ही हेल्प करता था, हेल्प लेता था। तो फिर आर्मी का तैयारी किया, उस समय भी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया था। तो उसके बाद उसका फॉर्म फिलअप किया, तो उसके पहले भी मैंने, उससे पहले बहुत सारे जैसे नेवी का एक कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आता था, DB और GD का, तो उसको भी फिलअप किया, GD का एग्ज़ाम दिया नेवी में, जो कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होता है कोस्टल गार्ड, तो उसका एग्ज़ाम दिया था। DB के पहले डोमेस्टिक ब्रांच होता है जो 10th पास पे होता है, और GD का होता है 12th पास पे। तो DB भी फिलअप करता था, GD भी फिलअप करता था, सारे में फाइनल में कभी 2 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स, कभी 1 मार्क्स, कभी हाफ मार्क्स के लिए ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाता था। तो फिर कोई नहीं, फिर पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा। उससे पहले SSC का, SSC MTS का एग्ज़ाम दिया, CHSL का एग्ज़ाम दिया। तो आप तो CHSL में भी उतना ज़्यादा मार्क्स तब भी लगा, कि CHSL में जो फाइनल मेरे जो आपका कट ऑफ बना था उससे मेरा 7 नंबर कम था उसमें, तो उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी कट ऑफ गया था एक बार 57 और मेरा आया था 53, तो 4 मार्क्स के लिए उसमें भी कट ऑफ हो गया। तो मैं फिर तैयारी करता रहा। तैयारी करने के बाद जो कोस्ट गार्ड में भी नहीं हुआ उसमें भी एज निकल गया, कोस्ट गार्ड में से एज निकलने के बाद फिर मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए देखने लगा, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता रहा। तो वो सभी एग्ज़ाम में दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम दिया, रनिंग किया, रनिंग तो कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ उस, बस एग्ज़ाम में ही फाइनल मेरिट में आउट हो जाता था। तो ऐसे
बहुत सारा दिन तक ऐसे चलता रहा ये प्रिपरेशन। फिर मैं जब क्लास 12th पास किया था, तब मुझे एनडीए का भी एग्ज़ाम होता था। मेरा साइंस बैकग्राउंड था 12th के बाद, तो फिर मैंने एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया था उस टाइम। तो एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया आपका 143 कोर्स और 144 कोर्स 2020 और 2021 में। तो फर्स्ट टाइम जो एनडीए का एग्ज़ाम था, तो उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। और आपका फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट क्लियर कट ऑफ होता वही क्लियर नहीं कर पाया था। तो फिर आपका दूसरी बार फिर पढ़ाई किया एंड उसके लिए, तो फिर एग्ज़ाम दिया पढ़ने के बाद। तो एक बार एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरा ज़्यादा मार्क्स का जो कट ऑफ हुआ था उससे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं था। तो मैंने सोचा चलते हैं, फिर एग्ज़ाम तो क्लियर हुआ है तो एक बार SSB देने। तो SSB देने के लिए भी गया था वहाँ पर 33 SSB भोपाल। फिर वहाँ पर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था, तो फिर निराशा हाथ लगी उस टाइम भी। तो उसके बाद भी फिर मैं अपना कंपटीशन की तैयारी करता रहा करता रहा। ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम में मैं डिस्क्वालीफाई हुआ वो आपका। फिर उसके बाद मैं एक ऐसा टाइम आया था जिस टाइम मैं सारे एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम देता वो क्वालिफाई होता था। उसके बाद फिर वहाँ से डिस्क्वालीफाई होने के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। देन फिर आया था SSC GD 2021। वो SSC GD का फर्स्ट टाइम वही मैंने एग्ज़ाम दिया था SSC GD 2021 का। तो उसमें मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो SSC GD 2021 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो उसमें मैं फिजिकल देने के लिए गया। फिजिकल मेरा 153 बटालियन कल्याणी वेस्ट बंगाल में पढ़ा था। तो वहाँ पर फिजिकल दिया, तो फिजिकल में उस समय मेरा रनिंग भी बहुत अच्छा था। 18 मिनट 54 सेकंड में 5 किलोमीटर रनिंग पूरा करता था। तो वहाँ भी फिजिकल दिया, फिजिकल में अपना जैसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट में रहता था, फर्स्ट में था। इससे पहले भी एक वीडियो जब मैं फिजिकल पास किया था उसमें एक वीडियो बनाया था, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो उसको। तो फिजिकल पास किया, फर्स्ट फर्स्ट में आया था सबसे पहले अपने लड़कों में। तो फिजिकल पास करने के बाद वहाँ पर फिर रिजल्ट निकला, रिजल्ट में क्वालिफाई हुआ फिजिकल। देन आपका मेडिकल के लिए एग्ज़ाम आपका कट ऑफ निकला, मेडिकल भी क्वालिफाई किया, मेडिकल भी पास किया था। मेडिकल बहुत टफ हो रहा था उस टाइम, फिर मेडिकल दिया। मेडिकल के बाद आपका फिर फाइनल मेरिट का निकला था। तो फाइनल मेरिट कुछ टाइम 1 मंथ के बाद फाइनल मेरिट का निकल गया था। तो फाइनल मेरिट में मेरा डिसक्वालीफाई हुआ था। फाइनल मेरिट में मेरा उसमें SSC GD का एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वो था एक तौर की फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, वो भी कितना, तो हाफ हाफ मार्क्स का मैं डिसक्वालीफाई हो गया था फाइनल मेरिट में। तो खैर कोई नहीं, उसी टाइम में मैं आसाम रिपोर्ट्स का भी एग्ज़ाम दिया था, या टेक्निकल का, टेक्निकल ट्रेड्समैन रैली जो थी 2022 की। तो ये एग्ज़ाम दिया था, तो इसको भी इस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई कर रहा था। फिजिकल पास किया, फिर यहाँ पर भी फिजिकल पास किया, फिर मेडिकल पास किया। मेडिकल में एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका आसाम रिपोर्ट्स का जो था, तो सब मेडिकल भी पास हुआ। फिर देन उसका एग्ज़ाम हुआ था रिटर्न एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम भी पास किया था। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू को मैंने पास किया। देन पास करने के बाद फिर फाइनल मेरिट के लिए मुझे वेट करना पड़ा था। तो कुछ दिनों बाद ही इसका 12 दिसंबर 2023 को इसकी फाइनल मेरिट आ गई थी, सॉरी 12 दिसंबर 2022 को इसकी फाइनल मेरिट आई थी। और मैं जनवरी में इसको ज्वाइन किया था, जनवरी 2023 को। तो ये एग्ज़ाम था जिसको मैं फाइनली क्वालिफाई किया, और फर्स्ट टाइम इसका ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आया था। इससे पहले भी मैं CSF फायरमैन का एक एग्ज़ाम था, जैसे फायरमैन 2021 की 22 की रैली थी, तो उसको भी मैं क्लियर किया था, उसको क्वालिफाई किया था। तो उसमें भी सब चीज़ एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, और आपका एग्ज़ाम हो गया था, और मेडिकल भी हो गया, मेडिकल बचा था। तो मेडिकल तक तब तक मैं जो इसको ज्वाइन कर चुका था आसाम रिपोर्ट्स को। और ये आसाम रिपोर्ट्स से पहले भी मैंने एक BSF रेडियो मैकेनिक का एग्ज़ाम दिया था, BSF रेडियो मैकेनिक 2022 का। तो वो भी एग्ज़ाम मैंने उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था आपका, उसके और पूरा साइंस बेसिस और साइंस और GS के कंपटीशन के क्वेश्चन थे उसमें, अर्थमेटिक सारे कंपटीशन के क्वेश्चन थे और मैक्सिमम साइंस के भी थे। तो BSF रेडियो मैकेनिक का जिसका पोस्ट था आपका इससे हाई पोस्ट का था, SI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट था वो, तो उसको भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। मैं और मेरा एक दोस्त भी था मिंटू नाम है उसका, उसने भी उसको क्वालिफाई किया था। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारे फिर देन उसके बाद एग्ज़ाम भी धीरे धीरे क्वालिफाई करता रहा। और जब इसने इसको ज्वाइन कर लिया तो फिर दूसरा भी एग्ज़ाम देना छोड़ दिया फिर, कि अब क्यों किसी और का सीट खाना। तो इस एग्ज़ाम को दिया, अच्छे से दिया, आसाम रिपोर्ट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। देन इसके बाद मैं फिर सोचा कि और यहाँ पर कुछ टाइम काम किया, अपना ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और इसके आगे भी पढ़ना है। तो फिर आगे भी तैयारी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ अभी भी धीरे, जितना टाइम मिलता है। तो देखिए बहुत सारे ये भी क्वेश्चन डाउट पूछते होंगे कि हाँ क्या जॉब करने के बाद टाइम मिलता है, तो हाँ, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में हो, आपको प्रॉपर टाइम मिल प्रॉपर आपको स्टडी के लिए टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो वैसे ही मैं भी टाइम निकाल के जितना मुझे टाइम मिलता है वैसे वीडियो बनाता हूँ, या फिर कहीं कहीं पर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो वीडियो भी अच्छा नहीं हो पाता है।
तो बहुत सारे कमेंट दोस्त करते भी है कि हाँ वीडियो में आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सॉरी उसके लिए। उसके बाद मैंने आसाम रेपल्स का भी, आसाम रेपल्स रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक, इसका भी एग्ज़ाम निकाला और इसमें आज सिलेक्ट भी हूँ। उसके बाद मैंने BSF रेडियो रेडियो मैकेनिक का एग्ज़ाम दिया था, BSF रेडियो मैकेनिक 2022, वो भी एग्ज़ाम निकाला था, बट उसको आपका एग्ज़ाम निकल गया था और उसमें फिजिकल में नहीं गया, तब तक मेरा आसाम रेपल्स का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था जिस कारण से मैं नहीं गया। तो इन सभी एग्ज़ाम को निकालने के बाद मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ, जहाँ तक कि किस बुक से क्या पढ़ना ज़रूरी है, किस बुक से पढ़ने से इजीली एग्ज़ाम को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नॉर्मल वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इन्हीं सभी एक्सपीरियंस को लेकर मैंने चार एक सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक्स का सिलेक्शन किया है। तभी सारे बुक्स को आपको सामने दिखाऊंगा, बुक्स को नहीं सारी बुक्स का नाम दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी पर हूँ तो मेरे पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है वो सारी, बट मैं उनको अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने लिंक पे या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम अपना व्हाट्सएप ग्रुप में फिर फेसबुक ग्रुप में आपको भेज दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ उन सभी बुक्स का नाम, जहाँ से आप लोग भी पढ़ के अच्छे से अगर मेहनत करोगे, अच्छे से बुक को रिवाइज़ करोगे, बार बार रिवाइज़ करोगे, तो आप लोग भी सिलेक्शन पा सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने कोई बाहर में कोई या फिर ऑफलाइन में कोई ट्यूशन नहीं की थी, बस केवल एक बार इंग्लिश का ट्यूशन गया था वहाँ पर कुछ जानकारी के लिए, तो वहाँ पर भी कुछ टाइम पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से। तो जैसे जो मेन बुक है बुक को मैंने पढ़ा था, बुक को बार बार पढ़ता था मैं और एक मेरा दोस्त था, वो दोनों हम लोग मिलकर साथ में पढ़ते थे, तो साथ में पढ़ते थे और साथ में पढ़ते पढ़ते मेरा तो यहाँ पर हो गया, लेकिन वो भी अभी पढ़ ही रहा है, वो भी SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहा है, तो जहाँ तक चांस है उसका भी हो जाएगा इस बार CGL में। फिर वो भी आप लोगों के बहुत अच्छा गाइड करता है, बहुत अच्छा लड़का है वो और पढ़ाई भी बहुत अच्छा ही करता है वो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बुक्स के बारे में। तो देखिए मैथ्स के लिए आप लोग आर एस अग्रवाल सर का बुक ले सकते हैं, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आर एस अग्रवाल सर का बुक से मैथ्स जो है नॉर्मल अंकगणित या फिर एडवांस है। अब देखिए अभी तो GDE में जहाँ तक लगता है अंकगणित से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक से, तो अर्थमेटिक पोर्शन को बहुत अच्छा रिवाइज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा मैथ्स। और आप रीजनिंग के लिए पीयूष वार्षणी सर का जो कैरियर व्हील पर पढ़ाते हैं, देखिए वो पढ़ाते हैं CGL के लिए, लेकिन आप लोगों से वो उनका बैच लेकर ना पढ़ के आप उनका बुक लीजिएगा और बुक से आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपके सारे GDE के जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो सारे आप इजीली बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब से भी, जहाँ भी ऑफलाइन में जो ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ से पूछ सकते हैं। तो पीयूष वार्षणी सर का बुक आता है, फ्लिपकार्ट से भी आप परचेस कर सकते हैं वहाँ से। और GS के लिए, GS जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, GS में बहुत सारे स्कोर नहीं भी कर पाते हैं वहाँ पर, तो GS के लिए आप लूसेंट प्रीफर करते हैं। लूसेंट को जो भी आपका जो लीनियर लूसेंट है उसमें आपको जो देखिए पिंक कलर में हाईलाइट करके दिया जाता है, वो सारी चीज़ों को पढ़ेगा तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा लूसेंट। लूसेंट इसके साथ साथ अगर आप अरियंट पढ़ सकते हैं, अरियंट का भी आता है मनोहर पांडे का, तो वो भी आप बुक पढ़ सकते हैं GS के लिए, जिससे आपको GS बहुत ही अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। मेरा भी कुछ GS अच्छा ही है, मेरा GS में मार्क्स अच्छा आता है। उसके बाद आपका हिंदी, तो GDE में आपका हिंदी भी आता है, तो हिंदी के लिए आप रोजगार विद अंकित में जो अंकित भाटी सर है उनका जो बुक आता है वो उनके बुक से या फिर उनका जो बैच लेकर हिंदी का केवल बैच लेकर या फिर उनके बुक से पढ़ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम से होंगे उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदी में इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर हिंदी में 25 आउट ऑफ 25 या 24 लाना है तो आपको रोजगार विद अंकित सर का बुक ले जाएगा, बुक से पढ़िएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, हिंदी की जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और इंग्लिश के लिए आप लोग नीतू मैम का पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 नीतू मैम का बुक पढ़िएगा इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 तो कोई रोक ही नहीं सकता है, एक दो हुआ तो एक दो 24 भी आ जाएगा, लेकिन एक दो कहीं बाई मिस्टेक हो गया तो आपको इंग्लिश में नीतू मैम का बुक अगर पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप GDE से अगर अच्छा CGL की प्रिपरेशन करें तो आपको नीतू मैम का बुक तो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ब्लैक बुक भी पढ़ सकते हैं। तो GDE के लिए केवल नीतू मैम की बुक पढ़ लीजिए, वो बहुत काफ़ी एनफ है। तो इस प्रकार से ये सारे बुक्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ के आप लोग अच्छे से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार बुक का जो लिस्ट बनाया हूँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए तो ये सारे बुक्स हैं, मैथ्स का RS अग्रवाल, रीजनिंग का पीयूष वार्षणी, GS का लूसेंट प्लस अरिहंट, हिंदी का रोजगार विद अंकित का जो बुक आता है हिंदी का वो आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, इंग्लिश का नीतू मैम, तो ये सारे बुक्स हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं और इसे पढ़ के आप सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। जय हिंद। और भी अगर कुछ कमेंट होगा, डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। जय हिंद।